विड आईक्यू को कैसे यूज करें, उसको यूज करके कैसे अपने वीडियोस को रैंक करें, ऑप्टिमाइज करें, यूट्यूब एसईओ कैसे करें, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं विड आईक्यू को पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूँ। 3 साल पहले मैंने इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी किया था। सो मेरे पिछले 4 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि विड आईक्यू का 2024 में कौन सा प्लान अच्छा है, फ्री में क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या फीचर्स नए आए, पेड में कौन सा अच्छा है, कौन सा आपको लेना चाहिए और किसको ये लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इफ़ यू आर अ यूट्यूबर, कीप दैट इन माइंड कि नथिंग कैन चेंज यूर कॉन्टेंट। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है तो डजेंट मैटर, कोई भी टूल यूज़ कर लो, कोई भी एआई यूज़ कर लो, व्यूज नहीं आएंगे। तो पहले अपने कंटेंट पे ध्यान दो, वंस इट इज़ डिसेंट उसके बाद ही ये सारे वीडियोस देखो। अगर अभी तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पर ही रोक दो और कॉन्टेंट पर ध्यान दो। दैट बींग सेट, शुरुआत करते हैं इसके फ्री प्लान से। फ्री प्लान यहाँ पर मैं काफ़ी रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। कैसे यूज़ करना है इसको, सबसे पहले आपको विडआईक्यू पे जाके साइन अप कर देना है। नीचे इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग साइन अप कर सकते हो फॉर फ्री। ये वाला फिलहाल मेरा अभी यहाँ पे फ्री प्लान है। पहले जो मैं इसका यूज़ करता हूँ वो रहता है व्यूज़ पर आवर फाइंड आउट करने के लिए। व्यूज़ पर आवर क्या होते हैं कि 1 घंटे में उस वीडियोज़ को अप्रॉक्सीमेटली कितने व्यूज़ मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मुझे वीडियो बनाना है बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है दैट इज़ 51 VPH, दैट इज़ व्यूज़ पर आवर, मीन्स इसको 1 घंटे में 51 यहाँ पे व्यूज़ मिल रहे हैं। ये जो है इसको 13 मिल रहे हैं। एंड इसी तरीके से ये वाला जो है हाउ क्रेडिट कार्ड वर्क्स, इसको 93 मिल रहे हैं। तो आई कैन स्टिल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक और अभी भी ये रिलेवेंट टॉपिक। एक और एग्जांपल देता हूँ, आईफोन 11 रिव्यू अगर मैं देखूँ तो इसका 26 VPH आ रहा है और वहीं पर ही 15 रिव्यू देखूँ तो इसको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, 212 व्यूज़ पर आवर। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि वीडियो अभी भी ट्रेंडिंग में है, अभी भी उस पर व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं। अगला फीचर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कॉमेंट्स फिल्टर का। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जैसे विड आईक्यू का रिव्यू करना था तो मैं यहाँ पे जितने भी विड आईक्यू के रिव्यू वीडियोस हैं मैं उस पर जाता हूँ, उसके कमेंट्स में जाता हूँ। अब इंस्टेड की मैं कमेंट्स यहाँ पे पूरा सर्च करूँ, यहाँ पर आपको विड आईक्यू का एक बार दिखेगा, जैसे पावर्ड बाय विड आईक्यू जो दिख रहा है आपको, एक्सटेंशन जैसे इंस्टॉल कर लोगे ये विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कंटेंट्स क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे इनका क्वेश्चन है कि क्या नॉन स्पीकिंग इंग्लिश चैनल्स लिव वर्क करेगा कि नहीं करेगा, एसईओ रेटिंग में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, तो इसमें जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन रहते हैं ये आपको कॉन्टेंट गैप को फिल करने में हेल्प करता है। इसके बाद फ्री में जो तीसरा फीचर मुझे अच्छा लगता है वो है इसका राइट साइड पे नॉलेज पैनल। यहाँ पर आपको थंबनेल दिख जाता है, इस वीडियो का थंबनेल क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, व्यूज़ पर आवर क्या है, कितने व्यूज़ इसको मिल रहे हैं, क्या इसकी ड्यूरेशन है। एंड नीचे जब आओगे तो यू कैन इजीली कॉपी देयर टैग्स एज वेल। चौथा फीचर है कीवर्ड रिसर्च का। हालांकि फ्री में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते, जैसे कि मैं यहाँ पे कीवर्ड इंस्पेक्टर पर जाऊँगा, आई विल टाइप बेस्ट एयर फ्रायर्स, आई विल गो सर्च। अब यहाँ से मुझे 3-4 कीवर्ड्स बता देगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बताएगा। जो मेरा मेन कीवर्ड है उसका ये पूरा सर्च वॉल्यूम वगैरह बता देगा, लेकिन जो रिलेटेड कीवर्ड्स है और मैं उसको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम से फिल्टर आउट करना, अगर मुझे सबसे ज़्यादा सर्चेस चाहिए तो वो यहाँ पर फ्री प्लान में पॉसिबल नहीं है। बेसिक कीवर्ड रिसर्च लेकिन हो जाती है। और ये एआई कोच भी इन्होंने देखे रखा है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है, समराइज वगैरह करने को बोल दो तो बेसिक चीज़ें दे देगा आपको। एआई कोच से मैंने यहाँ पे समराइज़ किया वीडियो को तो उसने यहाँ से मुझे बेसिक आउटलाइन दे दिए कि यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे 10 मिनट का वीडियो देखना है कि नहीं। डिसेंट सा इनका एआई कोच, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी। बेसिकली चैट जीपीटी को यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है इनके एआई कोच में एट प्रेजेंट। सो गाइस, फ्री में इससे अच्छा यूट्यूब एक्सटेंशन आपको नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे ट्राई करे हैं तो डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। कौन से पैसे लगने हैं जो भी मैंने बताया फ्री में ट्राई करके देख लो। अब हम लोग बात करते हैं इसके पेड प्लान के बारे में। तो कोचिंग वाला प्लान इज यूजलेस, इसकी तरफ कभी मत जाना। ये दो इनके मेन प्लान से बूस्ट और प्रो, इनकी जो प्राइसिंग है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई है इस साल। लास्ट ईयर तक इनकी प्राइसिंग काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी, बट इस साल इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली अपनी प्राइसिंग को रिड्यूस कर दिया, सो दैट्स अ बिग प्लस। प्रो प्लान सिर्फ 450 पर मंथ में आपको मिल जाएगा एंड 1990 में आपको यहाँ पे बूस्ट प्लान मिल जाएगा। एंड मेरे पास आप लोग के लिए कूपन कोड भी है इफ़ यू सब्सक्राइब टू देयर प्लान एंड सिलेक्ट, यहाँ पे मंथली बिलिंग जब आप लोग सिलेक्ट करते हो यू कैन ऐड अ प्रोमो कोड कृपेश आडवाणी, यू कैन क्लिक अप्लाई और आपको यहाँ पे 90% ऑफ फॉर फर्स्ट मंथ मिल जाएगा। तो आपको ये पहले महीने के लिए 200 रुपये में वाला प्लान मिल जाएगा एंड 90% ऑफ इस प्लान के ऊपर भी है। तो दोनों प्लान को आप लोग इजीली ट्राई आउट कर सकते हो मेरे कूपन कोड के थ्रू। 1 महीने में आपको पता चल जाएगा कि ये प्लान आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं है, कैसे यूज़ करना है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। बट बिफोर आई कंटिन्यू मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि विड आईक्यू या किसी ने भी मुझे इस वीडियो के लिए स्पॉन्सर नहीं किया है। जो भी मैं बता रहा हूँ मेरी खुद की पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसको यहाँ पे पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ।
हालांकि अगर आप लोगों को पसंद आता है मेरा काम, मेरा वीडियो, तो आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके साइन अप कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। दैट्स एन एफिलिएट लिंक बट नॉट अ स्पॉन्सर्ड लिंक, मीन्स उन्होंने पैसे नहीं दिए, बट इफ यू बाय आई विल गेट अ कमीशन एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो दैट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। प्रीमियम फीचर में जो सबसे पहला मुझे अच्छा लगता है वो है इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस। वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा राइट हैंड पे, ये रहा हिस्टोरिकल एनालिसिस। अब जैसे व्यूज पर आवर की मैंने बात करी थी, कभी कभार क्या होता है जैसे इनके सब्सक्राइबर बहुत है, इनके PhD के तो सब्सक्राइबर्स अब नेक्स्ट लेवल है, तो जैसे वो वीडियो रिलीज करेंगे उनको तब तो व्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये व्यूज पर आवर हो सकता है कि उसका एवरेज लेके बता रहा हो, लेकिन जब हिस्टोरिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं तो ये फिर हमें डेली व्यूज पर आवर के अपडेट देता है। दैट मीन्स कि वो वीडियो स्टिल रेलिवेंट है, और ऐसा नहीं कि व्यूज पर आवर पहले आ गए थे अभी नहीं आ रहे हैं। इनका जो ग्राफ है यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में गया है, उसके बाद ये डाउन 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 है। दैट मीन्स कि इस वीडियो पे जो व्यूज आए हैं वो स्टार्टिंग में आए, बाद में थोड़े कम हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का। कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग यहाँ ऊपर चले जाएंगे, वी विल गो टू कीवर्ड इंस्पेक्टर, वी कैन टाइप अवर कीवर्ड्स हियर, बेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड्स। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलेटेड सर्च स्कोर बता देगा किसका यहाँ पे सर्च स्कोर क्या है, सर्च वॉल्यूम क्या है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे सर्च वॉल्यूम से फिल्टर करूँगा ये मुझे टॉप टू लेस बता देगा। तो आई कैन जस्ट सर्च फॉर क्रेडिट कार्ड्स एंड जितने भी मुझे क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे लग रहे हैं, कि जैसे बेस्ट ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, 30,000 के इसके अप्रॉक्स वॉल्यूम है। नाउ ये पूरा एकदम एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं है, इनका भी अप्रॉक्सीमेटली फिगर ही है, बट आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि कितने लोग उसका यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, एंड उस क्रेडिट उस कीवर्ड पे यहाँ पे कौन कौन से ट्रेंडिंग वीडियोज़ है वो भी आपको इस साइट पर दिख जाते हैं। इसके बाद एक और प्रीमियम फीचर का जो मैं यूज़ करता हूँ वो है चैनल ऑडिट। यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट मिल जाती है कि कौन सा कंटेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके व्यूज़ पर आवर अच्छे आ रहा है। जैसे जो मेरा VPN वाला कंटेंट है और AI वाला कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है अभी इस चैनल के ऊपर। तो इफ़ आई वॉन्ट टू हैव मोर व्यूज़ मैं इसके अराउंड कॉन्टेंट बनाऊंगा, और कौन से वीडियो से मेरे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं वो इन वीडियोज़ से यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपको व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए तो कौन से वीडियोज़ बनाने हैं, व्यूज़ चाहिए तो कौन से वीडियोज़ बनाने हैं, टॉप सर्च टर्म्स है कि मुझे कौन से सर्च टर्म्स से लोग देख रहे हैं। अगेन ये भी जो चीज़ें हैं ये भी आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगी। एंड कॉन्टेंट दैट कुड यूज़ सम वर्क, जैसे कि यहाँ पे लोएस्ट लाइक रेशियो किस किस पे आया है। लोएस्ट लाइक रेशियो मेरा 89% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, बट लोएस्ट रिटेंशन कहाँ पर हो रहा है, तो मैं रिटेंशन कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कौन से वीडियो से मेरे सब्सक्राइबर लूज हो रहे हैं। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है बेसिकली एनालिटिक्स का ही डेटा उठा रहे हैं, बट आपको थोड़ा मोर कन्वीनियंट वे में दे देते हैं। अगला जो यहाँ पे फीचर मैं यूज़ करता हूँ वो है मोस्ट व्यूड का। अब जैसे यहाँ पर इफ़ आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो ऑन क्रेडिट कार्ड्स, मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को सर्च करूँगा, इसको मैं सॉर्ट बाय कर दूँगा व्यूज़ पर आवर, डेट रेंज, कौन से पिछले 7 दिनों में सबसे अच्छे व्यूज़ कौन से वीडियो पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं वायरल वीडियो जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं उसके ऊपर मैं यहाँ पे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके बाद कंट्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देनी है, और यहाँ पर एक और चीज़ चैनल सब्सक्राइबर्स। मैंने ये नहीं चाहता कि जिसके 1 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं उसका वीडियो बताओ, क्योंकि उसके तो व्यूज़ पर आवर ज़्यादा आएंगे ही, लेकिन जिसके कम सब्सक्राइबर हैं और उसके व्यूज़ आ रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके भी व्यूज़ आ सकते हैं। तो आई गो एंड सर्च क्रेडिट कार्ड, और ये यहाँ पर आ गया है। तो ये तो एक क्रेडिट कार्ड जॉब है जो कि रिलेवेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला टॉपिक हो सकता है क्रेडिट कार्ड टू बैंक मनी अकाउंट ट्रांसफ़र, और ये भी अगेन वही सेम टॉपिक के ऊपर है। एंड IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, इस पे भी एंगेजमेंट आ रहा है इनको। तो यू कैन हैव अ लिस्ट, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्रेडिट कार्ड बनाना है तो लोगों के कौन से टॉपिक से जो वर्क कर रहे हैं। देन आई यूज ट्रेंड अलर्ट्स हियर, ये क्या है मैं आपको डेमो देके समझाता हूँ। इसको पहले यहाँ पे नाम दे देते हैं। अब AI के ऊपर मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एंड AI के ऊपर अगर यहाँ पे कोई भी वीडियो होता है जो कि ट्रेंडिंग में आता है हर हफ्ते या फिर every 2 days में, तो फिर मुझे उसका मेल आ जाए। तो आई विल सिलेक्ट अ पैरामीटर्स हियर कि उसके 1 घंटे में कितने व्यूज़ आने चाहिए। तो आई विल सिलेक्ट 500 ईयर, कौन सी कैटेगरी में चाहिए, मुझे चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लैंग्वेज, और ये यहाँ पर बेसिक आ गया है कि AI में कौन कौन से अभी यहाँ पर वीडियोस है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो जैसे ये हर हफ्ते की मुझे यहाँ पर रिपोर्ट भेज देगा कि इस हफ्ते वाला वीडियो था, इस हफ्ते वाले वीडियोज़ थे। तो जैसे कि AI आर्ट इंडियन मॉडल्स, ये काफ़ी अभी ट्रेंड पर चल रहा है ये वाला वीडियो, इनके भी चैनल पर है, इनके भी चैनल पर है, और अभी एक ह्यूमन AI की पिन आई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो इनका सब्सक्राइबर बेस ही ज़्यादा है। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है, आपको एक ईमेल में रिपोर्ट आ जाती है कि ये वाले कीवर्ड्स पे ये वाले वीडियोस हैं जो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। आप लोग इसको चाहो तो हर हफ्ते भी ले सकते हो और हर दूसरे दिन भी ले सकते हो अगर आपका वीडियो प्रोडक्शन टाइम बहुत जल्दी का है तो। एक और फीचर जो मुझे अच्छा लगता है वो इसके प्रीव्यू सर्च का है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान लेते हैं WP Rocket के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई विल सर्च हियर WP Rocket सेटिंग्स, आई विल क्लिक प्रीव्यू इन सर्च।
इसके बाद ये मुझे बता देगा कि दूसरे थंबनेल्स कैसे हैं यहाँ पर और मेरा थंबनेल कैसा दिखेगा, मेरे टॉप 3 में आता है। तो मुझे इन सारे थंबनेल से मेरा थंबनेल यहाँ पे यूनिक होना चाहिए कि ये जो टॉप 3 है, टॉप 4 है, इसमें से जो मेरा जो थंबनेल है वो अलग से दिखे, उसके लिए इसका यूज़ होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके AI फीचर्स के बारे में। तो ये मेरा यहाँ पे लॉगिन कर लिया मैंने vidIQ पे, मेरा यहाँ पे बूस्ट प्लान है, पेड प्लान है, जिसमें आपको ये सारे AI फीचर्स मिलेंगे। हम लोग जाते हैं AI जनरेटर पे सबसे पहले। यहाँ पे यू कैन एंटर योर टॉपिक, जैसे कि मैं मुझे कह दो कि टाइप ऑफ कॉफी बीन्स के ऊपर वीडियो बनाना है, आई विल एंटर माई टॉपिक, आई क्लिक जनरेट। उसके बाद ये टाइटल देगा मुझे, डिस्क्रिप्शन दे देगा, टैग्स दे देगा, वीडियो स्क्रिप्ट और वॉइस ओवर भी दे देगा। अब जो टाइटल है वो बेसिक सा है, अल्टीमेट गाइड टू डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफी बीन्स, बेसिक से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देगा, उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पर यहाँ पे एक वीडियो स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। हालांकि इट इज़ डिसेंट, एंड ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको ChatGPT में भी इस तरह से मिल जाएगी। इट इज़ जस्ट मोर फाइन ट्यून्ड हियर, और टैग्स वगैरह मिल जाते हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे कि ठीक है, नहीं आप लोग चाहो तो इस तरीके का थंबनेल बैकग्राउंड रख सकते हो, और ये वॉइस ओवर है जो कि किसी काम का नहीं है। देन वी हैव AI कोच, आई विल गो हियर, AI कोच पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पर जो आपका चैनल का डेटाबेस है वो इसके पास है, vidIQ के पास, क्योंकि vidIQ को आपने कनेक्ट किया है, तो vidIQ के पास आपके चैनल का डेटाबेस है। तो आप जैसे ChatGPT से पूछते हो वैसे यहाँ पे vidIQ से पूछ सकते हो आपके चैनल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन माई चैनल वॉट वीडियो आइडियाज़ डू यू हैव फॉर मी, तो ये मेरे चैनल का एनालिटिक्स देखेगा उस डेटा के ऊपर से, और ChatGPT को यहाँ पे दोनों को मिक्स करके वो मुझे यहाँ पे ऑप्शन देगा, जैसे कि टॉप 5 AI टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, जो कि एक अच्छा टॉपिक है, विच आई कैन यूज़, उसको कैसे कवर करना है वो बता दिया। तो एक दो रेलिवेंट टॉपिक्स दे दिए, बाकी सारे बकवास टॉपिक्स हैं। अगेन AI कोच भी इनका बेसिक सा है, कभी आपको अच्छा देगा कभी अच्छा नहीं देगा, एंड इन माई ओपिनियन इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क राइट नाउ। इसके बाद यू कैन हैव AI टाइटल रिकमेंडेशन, यहाँ पर आप लोग अपना बेसिक टाइटल डाल दो, उसके बेसिस पर ही आपको इस तरीके के कुछ रिकमेंडेशन दे देगा। कुछ कभी कभार ये आपको कुछ कीवर्ड्स दे देता है जो यू कैन इंक्लूड, जैसे कि सुपर चार्ज हो गया, स्पीड अप हो गया, टर्बो चार्ज हो गया, 10x फास्टर हो गया, तो ये कीवर्ड्स वो आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट एग्जैक्टली इसको यूज़ करना डजेंट मेक मच सेंस। एंड सेम यहाँ पर आपको AI डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, सो जस्ट एंटर योर कीवर्ड्स है, जिसके बेसिस पर वो डिस्क्रिप्शन आपको जनरेट करके देगा। एंड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ये, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉल एंड क्यूट, जैसे कि ये है, तो थोड़ा सा बेसिक सा आपको ये दे देगा, इससे ज़्यादा आपको गूगल जेमिनाई ही दे देगा इन माई ओपिनियन। एंड देन दे हैव AI थंबनेल्स एज वेल, AI थंबनेल्स में ये आ गए, एंड सरप्राइजिंगली ये पिछली बार से थोड़े ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर यू कैन यूज़ इट एज अ बेस, एंड जो लोग AI ऑटोमेशन कर रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन कर रहे हैं वाया AI, उनके लिए शायद से ये काम के फीचर्स हो सकते हैं। vidIQ में एक और फीचर है जो कि काफ़ी फेमस है, वो है डेली आइडियाज़ का। इट कैन गिव यू आइडियाज़ बेस्ड अपॉन द वीडियोज़ दैट यू आर हैविंग, जैसे कि टॉप 3 टूल, AI टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ये वाला एक अच्छा आइडिया हो सकता है मेरे लिए। ये वाला टॉपिक देखो, गूगल एडसेंस से 1 करोड़ कमाओ, कुछ भी बोलेंगे AI नया घोटाला। तो मैक्सिमम जो इसके सजेशंस रहेंगे वो बकवास ही रहेंगे, बट एक दो शायद से आपको इसमें कुछ अच्छे मिल जाए। सो क्या vidIQ आपको लेना चाहिए? देखो, फ्री वर्जन तो यूज़ करो ही करो, इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। प्रो वर्जन और बूस्ट वर्जन के बारे में बात करो, जो इनका पेड प्लान है, प्रो वर्जन भी मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट काफ़ी सस्ते में मिल रहा है, इसको आप लोग कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, इट इज़ रियली गुड, 1 महीने का ही ट्राई कर लो। बूस्ट प्लान भी इनका डिसेंट है, जो इनका AI टूल्स वो ये लोग जितना मार्केट कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से एट प्रेजेंट अभी उस लेवल पे नहीं है, हो सकता है आज से 3-4 महीने बाद आ जाए, बट एट प्रेजेंट ये नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा एनालिटिक्स वगैरह के फीचर्स चाहिए तो यू कैन गो विद बूस्ट प्लान। AI ऑटोमेशन वगैरह में हो आप लोग तो यू कैन ट्राई देयर बूस्ट प्लान, इसको आप लोग 1 महीने का एटलीस्ट सब्सक्राइब करके देख सकते हो, क्योंकि जो मेरा कूपन कोड है उस पर दोनों प्लान आपको 90% ऑफ पे मिल जाएंगे फॉर द फर्स्ट मंथ। और अगर नहीं यूज़ करना है तो फ्री तो डेफिनेटली करो, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट है। सो दैट इज इट फॉर दिस वन, वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे देना, लाइक कर देना, कुछ क्वेश्चन हो नीचे यू कैन लीव इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।